नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सियासत में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और टाइमिंग को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। अब यूपी में अखिलेश यादव और योगी की अदावत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने ऐसी बात बोली कि मोदी के पसीने छूट गए। हरियाणा में बीजेपी की हालत पतली है और ये बात हम नहीं, कई सर्वे बता रहे हैं। सर्वे की माने तो इस बार हरियाणा जनता मोदी शाह को सबक सिखा के रहेंगे। ऐसे में इसमें तड़का लगाते हुए अखिलेश कूद पड़े हैं और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए बड़ा दांव खेला है। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने ट्विटर पर बड़ा ऐलान किया है और इस पोस्ट को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वे आगे भी दोहराएंगे। बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास व सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हरा कर रहेंगे। इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात दो चार सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है, साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 200 साल पीछे ढकेल दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। जानकारी देते चले कि इधर बीच में यूपी में जिस तरह से लड़ाई योगी अखिलेश में चल रही है, उससे तो लगता है कि अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अखिलेश ने कमर कस ली है। उसी का नतीजा है कि अखिलेश ने ट्विटर पर तीखा हमला किया है। जानकारी देते चले कि लोग बीजेपी से इतना परेशान हैं कि बिना भेदभाव के समर्थन दे रहे हैं। लिखा है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा को विकास से 20 साल पीछे कर दिया है। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीति भावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अखिलेश ने दांव खेलकर बीजेपी को परेशान किया है। जानकारी देते चले कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें 5 समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, 3 बीजेपी की सीटें हैं और 1-1 निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सीट है। और कहा जा रहा है कि इस बार अगर योगी हारे तो कुर्सी जानी तय है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में योगी ने अपनी ताकत झोंक दी है और उसी का नतीजा है कि अखिलेश और योगी में तीखा वार हो रहा है। देखना होगा कि ये लड़ाई कितना सतह पर पहुंचती है और क्यों। लेकिन दुखी अखिलेश ने अपने फैसले से बता दिया है कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को हराना है।